हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुस्लिम वोट देंगे तो उनका काम करूंगी, ऐसी बात कही है बीजेपी के कैंडिडेट मेनका गांधी ने। सुल्तानपुर के तुरबखनी एरिया में मुस्लिम मोहल्ले में इलेक्शन कैंपेन के दौरान मेनका गांधी ने कहा, मैं तो चुनाव जीत रही हूँ, ऐसे में आप हमारा साथ दीजिए, वरना कल जब आप काम के लिए हमारे पास आओगे तो समझ लीजिए मैं क्या करूँगी, मैं कोई महात्मा गांधी की छठी औलाद नहीं हूँ। ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है। हालांकि मेनका गांधी के ये स्टेटमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस भेजा है। यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनका गांधी पीलीभीत से लोकसभा एमपी थी, जिनको इस बार सुल्तानपुर से टिकट दी गई। क्या वोट मांगने आई बीजेपी कैंडिडेट को ऐसी बातें करना शोभा देती है? आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट, जरूरी है। मैं जीत रही हूँ, मैं जीत रही हूँ, लोगों की मदद, लोगों की प्यार से मैं जीत रही हूँ। लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी एक सौदेबाजी भी तो होती है, बात सही है कि नहीं? ये नहीं कि हम लोग सब महात्मा गांधी के छठे औलाद हैं कि हम लोग आए केवल हम देते ही जाएंगे और फिर इलेक्शन में मार खाते जाएंगे। सही है बात कि नहीं सही है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये जीत आपके बिना भी होगी, आपके साथ भी होगी, और ये चीज आपको सब जगह फैलानी पड़ेगी।